दोस्तों आज की कहानी है बेटी तुम अपनी भाभी का पक्ष क्यों ले रही हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। नसीब वालों का ही बुढ़ापा अच्छा होता है, वरना बस थाली में बैंगन की तरह लुढ़क कर इधर तो कभी उधर। मैं समझी नहीं माँ, इसमें ना समझने वाली कौन सी बात है। बहू का पक्ष लेने पर बेटा नाराज होता है और बेटे का पक्ष लो तो बहू का मुंह फूलता है। मेरी हालत तो सांप ससुंदर वाली हो गई है। कुछ समय में नहीं आता कि क्या करो, अपने काम से काम रखो, वहां रेफरी बनने की जरूरत ही क्या है। अरे मियां बीवी का रिश्ता तो पल में तोला पल में मासा वाला होता है, उसमें पकड़कर अपना ही नुकसान कर लोगी। मेरी मानो तो तटस्थ हो, ऐसा कहकर निशा ने फोन रख तो दिया, पर वह अच्छी तरह जानती थी कि ये सब आसानी से समझ में आने वाली बातें नहीं है। क्या वह अपने ही परिवार के सलन को नहीं समझती है। जब तक सारे वृतांत में माँ अपनी विजय ना महसूस कर ले, उन्हें सैन कहाँ। उसने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, कैसे उसकी माँ अपनी गृहस्थी से लेकर बच्चों की गृहस्थी तक सदा ही अपनी बातें मनवाना चाहती थी। निशा को अपने परिवार से बेहद स्नेह था, माँ पापा के साथ भाई व भाभी भी बहुत प्रिय थे। कैसे वह सभी के नकारात्मक सोच को रपा दपा कर सभी संबंधों को मधुर बनाने की चेष्टा करे, यही सोच रही थी कि अचानक पड़ोस में एक घटना घटी जिससे उसे राह मिल गया। हुआ यूं कि उसकी पड़ोसन की सास हमेशा के लिए साथ रहने आई थी। बेटे बहू के मामूली विवादों में भी इस बिसाव करने लगती। उन्हें लगता था कि ऐसा करके वह उनकी मदद कर रही है, जबकि उनके बार बार के हस्तक्षेप के कारण 6 महीने होते होते तलाक तक की नौबत आ गई। पति पत्नी एक दूसरे का मुंह तक देखने को तैयार ना थे। पहले के झगड़ों में सुलह हो जाया करती थी, वही अब तीसरे की उपस्थिति दोनों ही के ईगो को सुभ रही थी। आए दिन के पति पत्नी के झगड़ों ने उनकी टीनेज बेटी को बहुत हद तक कुप्रतावित किया था। उसके शरीर में हार्मोन्स के कुछ ऐसी उतल पुतल मसे की उसके मासिक धर्म के समय अत्यधिक रक्त स्त्राव होने लगा, जिसके कारण कमजोर हो गई और सुप सुप रहने लगी। डॉक्टर से दिखाने पर उन्होंने आयरन के सेवन की सलाह दी और साथ ही बच्चे को अधिक से अधिक समय देने के लिए कहा। परिवार में खुशियां होगी तो हैप्पी हार्मोन्स बनेंगे, जिससे बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार होगा। माँ बाप दोनों को समझ आ गया था कि उनकी आपसी कलह ने ही उनकी बेटी की ये हालत बनाई है। फिर उन्हें आत्मबोध हुआ कि घर का माहौल बोझिल होता जा रहा है, ऐसे में कोई भी परेशान हो सकता है। उन्होंने आपसी
मशविरे से घर में अपने व्यवहारों में एक संतुलन लाने का निश्चय किया। अब वह माताजी को आदर सम्मान तो देते थे, पर ज्यादातर फैसले उनके सलाह से नहीं बल्कि आपसे सहमति के आधार पर लेने लगे। उनकी समस्याएं बिगड़ने की बजाय सुलझने लगी। घर का माहौल बदल गया तो बच्चे का स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। उनकी समस्या सुलझती देख निशा को एक युक्ति मिल गई थी। उनके घर की घटना में ही माँ की समस्या का समाधान था। वह माँ को अपने पास ले आई और पड़ोसियों से मिलवाया। देखा माँ बेटे बहू के बीच अपना स्थान बनाने व अपने महत्व को जतलाने के प्रयास में घर युद्ध स्थल बन गया था। एक हंसते खेलते परिवार की क्या स्थिति हो गई थी वह तो ठीक है, पर मुझे क्यों बता रही हो? क्या मैंने अपने बच्चों को नहीं पाला है? हम लोग पति बच्चे सास ससुर व मेहमान सबका ध्यान रखते थे, फिर भी उपद्रव नहीं करते थे। आपके समय में विवाह जल्दी हुआ करता था। उम्र कम होने से सोच में लचीलापन था और इतनी चुनौतियां भी नहीं थी, इतनी सुविधाएं भी तो नहीं थी। और तुम अपनी भाभी का पक्ष क्यों ले रही हो? अब समझी, तुम भी तो वैसी ही बहू हो। तुमने अपने सास ससुर के प्रति कौन से फर्ज निभाए हैं? पहला फर्ज अपने बच्चों के प्रति है और शांतिपूर्ण सहयोग देने वाले सास ससुर या माता पिता का हार्दिक स्वागत है। हाँ, अपनी बात ऊपर रखने और वाद विवाद करने में तो किसी का कोई कल्याण नहीं है। अरे ये सब बेकार की बातें हैं। आजकल की लड़कियां सास ससुर को बर्दाश्त करना ही नहीं सहती, तभी तो बच्चों की छोटी छोटी परेशानियों की बात उठाकर अपने पक्ष में इस्तेमाल करती है। ये सब पति का ध्यान अपनी ओर खींचने के सोचले हैं। तुम्हारी ही बात को मान लिया, मान लो तुम्हारे कहे अनुसार चलते हुए दोनों लड़ भिड़ कर अलग हो गए तो क्या तुम उनके बच्चों को संभाल लोगी? मैं क्यों? अपने बच्चों को पाल लिया ना, अब क्या बुढ़ापे में बच्चों के बच्चे पालने बैठूं? वाह वाह, सीत भी मेरी और पट भी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें करना क्या है? करना क्या है इस उम्र में? बस शांति से जीवन चले यही इच्छा है। अच्छा कुछ करना भी नहीं है, सुधरना भी नहीं है, तो सबसे बेहतर है कि किसी के जीवन में हस्तक्षेप किए बिना शांति से पूजा पाठ करो, अपना बाण प्रस्त सुधारो, भाई और भाभी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो। निशा ये सब कहकर रसोई में डिनर बनाने चली गई। अब उसकी माँ नानी को फोन कर अपने दर्द साझा करने लगी। क्या करे जब अपने ही बच्चे नहीं समझ रहे है तो पढ़ाना लिखाना सब बेकार है। क्या करोगे, जमाना ही खराब है। नेकी कर दरिया में डाल। तुम तो बड़ा कहती फिरती थी कि मेरे बेटे बहू मेरे बस में है, तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हारी नहीं सुनती है। बहू तो दूर की बात है, कम से कम मेरी बेटी तो मेरे बस में है। सही कह रही हो माँ, घोर कलयुग आ गया है, मूड पहले ही खराब था। नानी ने भी उन्हें ही ज्ञान दे दिया। दुखी होकर निशा की ओर देखा तो वह माँ को समझाती हुई बोली कि रिश्ते रबड़ के समान होते हैं, जिसका एक सिरा माँ बाप के हाथों में और दूसरा पत्नी व बच्चों
कि हाथों में होता है, खींचा ताने में ये रबड़ अक्सर टूट जाते हैं, पर ढीले छोड़ दिए जाने पर उनका कसाव बना रहता है। ओहो, तभी तेरा भाई मुझसे खींचा सा रहता है, मैं ही ये बातें समझ नहीं पाई। तभी तो कह रही हूँ, रिश्तों के रबड़ को जरूरत से ज्यादा खींचा तानी करने के बजाय वह जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लो, तब आपको भी लगने लगेगा कि आपकी बहू बहुत अच्छी है। निशा को पता था कि भाभी शरीफ है, माँ ही अपनी मर्जी चलाने का जतन करती रहती है, उनकी आंखें खोलना इतना आसान तो नहीं था। पर बेटी ने उनके आंखों से पर्दा हटाने की अच्छी कोशिश की थी। सबकी बढ़ती उम्र के साथ समायोजन की क्षमता भी घटी है, ऐसे में लचीलापन ना शरीर में है ना दिमाग में। कच्ची उम्र में ससुराल के नियमों में ढलना आसान होता है। अब सबकी परिपक्व उम्र में शादी होती है, ऐसे में मायके के नियमों को भूल ससुराल में पूरी तरह से ढलना कठिन है। वह सब भी तो भुक्त भोगी है, जरूरी तो नहीं जो उसके साथ हुआ वही वह अपनी भाभी के साथ करे। माँ को उसके खिलाफ भड़का कर लड़ाइयाँ कराए और सास ननद मिलकर अपने ऊपर हुए सारे जुल्मों का बदला बहू से ही ले। उसकी बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, इतना तो उन्हें भी समझ में आ गया था कि दो पीढ़ी पहले की बातों के आधार पर इस युग में एडजस्ट करना मुश्किल है। आज की पीढ़ी को समझने के लिए आजकल के लोगों से सरसा करनी चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, गुजरे जमाने की सोच के आधार पर सलकर विवाद बढ़ाने की बजाय एक दूसरे की परेशानियों को समझना चाहिए। अत वह समझ चुकी थी कि जो बीत गई वह बात गई, पुराने ढर्रे पर सलने के बजाय 20वीं सदी की बातें समझकर परिवार में सहयोग देगी तो जीवन सुकून से बीतेगा। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।